हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल। एंड यस, ऑन योर डिमांड आई एम देयर विद यू विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए प्लीज मुझे कॉमेंट कर देना, एंड आपको जो भी हेल्प मैं कर पाऊंगी प्लीज आप मुझे कॉमेंट करना, एंड आई विल ट्राई ऑन इट। तो इसके अंदर जो है मैं आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल बताऊंगी, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले स्टार्ट करना है, एंड ऑल द अदर थिंग्स कि कहाँ से स्टार्ट करना है एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 सिलेबस जो कि आपको अपने यूनिवर्सिटी के पेज पर मिल जाता है। तो चलिए मैं एकदम सिंपल मैं आपको लिख कर लाई हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके आपको इसके अंदर का सिलेबस वगैरह भी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट करना, एंड लाइक वाइज आई विल प्रिपेयर द शेड्यूल। यहाँ पर जैसे देखो, अगर आपने पहले के वीडियोज तो आई डोंट थिंक सो देखे होंगे बिकॉज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, तो आई विल कवर दैट सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर टू। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा सा मतलब ऐसा हो सकता है कि आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज एक ही ब्रांच का जो है पूरा कंप्लीट करने में ही इतना टाइम हो जाता है। सो वही बोलूंगी कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स आपके अगर सेम होते तो वी कैन मतलब जैसे आईटी के बहुत सारे 6 सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ सेम है, तो वहां पर उन लोगों को वहां पर जो है फायदा हो जाता है कि वो मेरे से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा आई विल ट्राई ऑन इट। सो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है, एंड अब इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एंड प्लीज फोकस लेवल अपना बढ़ा देना, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से देखो, सेकेंड ईयर में आप आ गए हो, एंड आई एम टॉकिंग दिस इन एवरी वीडियो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेकेंड ईयर में आप आ गए हो तो यू हैव टू मेक फोकस ऑन योर गोल्स नाउ। वाई? बिकॉज फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस सेम था, हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब जो है अब आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जब ये कोर सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होंगे, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, देन ओनली आपका थर्ड एंड फोर्थ ईयर इजीली क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज दे विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, बेसिक्स समझोगे, कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट क्लियर आउट हो जाएंगे तो आगे के सब्जेक्ट्स बहुत ईजिली जाएंगे। एंड जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सी वास्ट ब्रांच है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग थोड़ी जल्दी करनी चाहिए ताकि हमारा इनसेम का सिलेबस जल्दी कवर हो, देन हम एनसेम के लिए जल्दी लग पाए। ठीक है, सो वैसे ही आपको करना है, एंड थोड़ा सा इसका सिलेबस वास्ट है तो आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सेमेस्टर 3 की, एंड इसी के ऊपर मैं ज्यादा डिटेलिंग दूंगी क्योंकि अभी आपको रिसेंट आ जाएगा अपने अकेडमिक्स के अंदर। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ईएम पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो उससे थोड़ा वन लेवल अप ये वाला सब्जेक्ट होता है, एंड कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स बेस्ड होता है, जैसे कि हम मैकेनिक्स पढ़ते थे, राइट? तो वैसे ही सेम टू सेम होने वाला है। यस, डिफिकल्टी लेवल हाई होगी, एंड अगर आप मुझसे पूछो कि टफ सब्जेक्ट कौन सा है तो वो यही है आपका, दैट इज सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड ये सब्जेक्ट है, एंड आपको 100% कंसेप्ट आने चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसे ही इमेजिनेशन भी चाहिए क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर में हमने मैकेनिक्स पढ़ लिया है तो उसकी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है। ठीक है, अगर आपने वो ही बेसिक मैकेनिक्स के अंदर ऐसा किया होगा कि इंपॉर्टेंट पढ़ के गए हैं, बहुत ही कम मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे हैं, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से किया होगा तो ये ईजी जाएगा, बेसिक जो है अगर आपके क्लियर होंगे तो। अदरवाइज इसको ध्यान में रखना कि थोड़ा सा इसमें आपको जो टाइम है वो ज्यादा स्पेयर करना पड़ेगा, तभी जाके न्यूमेरिकल्स बन पाएंगे। ठीक है, फिर देख लो, सेकंड सब्जेक्ट है आपका सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो जैसे कि ये है टफ सब्जेक्ट, एंड ये है आ जाता है आपका इजी सब्जेक्ट, क्योंकि आपने इसमें अगर आप सपोज थोड़ा भी टाइम पढ़े ना, मतलब आप अपने वीक शेड्यूल बना सकते हो, मंथली शेड्यूल बना सकते हो, तो अगर आप 2-3 दिन छोड़कर भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इजीली आप इसमें क्लियर आउट हो सकते हो, इजी सब्जेक्ट है। ठीक है,
है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। हाँ, इस पे ध्यान ज्यादा देना है, रोज रोज पढ़ना पड़ेगा इसको। आप 2-3 दिन का गैप लेके भी अगर थोड़ा टाइम दोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर देना है, सॉलिड मैकेनिक्स के ऊपर। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है सॉलिड मैकेनिक्स के बाद, जिसकी टफनेस ज्यादा आप कह सकते हो, वो है आपके इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते आए हैं, हमने बहुत अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही पढ़ लिया है, लेकिन अब ये है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, तो थोड़े से आपको, जैसे कि मैंने बोला, न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है ये भी सब्जेक्ट, एंड 100% आपको कंसेप्ट आने चाहिए, अदरवाइज नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत है ऐसा कि अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर है तो हम फॉर्मुलेस से क्या कर सकते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स कवर कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूलाज बहुत हैं, एंड आपको कंसेप्ट जब तक पता नहीं होगा तो आपको करेक्ट अप्रोच पता नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पर कहीं मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कॉलेजेस में आप ट्राई करो कि अपने अपने पर्टिकुलर डोमेन की जो टीचर्स हैं उनसे ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर न्यूमेरिकल्स आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसको मैं रैंक 1 दूंगी सॉलिड मैकेनिक्स को, एंड देन आपको सेकेंडली स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद देख लो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, तो ये सब्जेक्ट भी इजी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी इजी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत। एंड आपको क्या करना होगा, आपको अगर आप मतलब फर्दर आप कोई एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप अपने एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हो तो जैसे कि मैंने बोला सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग के अंदर आप 2-3 दिन छोड़ के भी अगर पढ़ोगे तो इट इज वेरी गुड कि आप कंप्लीट कर सकते हो, वैसे ही आपका ये भी हो जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, ठीक है। देन फिफ्थ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसके अंदर ईवी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा जो है मैंने देखा सिलेबस के अंदर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बेसिस पर इसको आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट जाने वाला है ये सब्जेक्ट। तो क्या करना होगा आपको, जस्ट वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर भी वैसी ही अंडरस्टैंडिंग आपको लेके चलनी है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी हेसिटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपको अगर आप अभी वेकेशन में स्टार्ट करना चाहते हो तो सॉलिड मैकेनिक्स से स्टार्ट करना, एक यूनिट भी अगर आपका हो जाएगा तो समझ लो कि बहुत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज टाइम में वी ऑल नो फर्स्ट ईयर हम सब ने करा हुआ है, कॉलेज में बहुत कम टाइम मिलता है इनसेम के लिए, है ना, इनसेम के लिए एंड एंडसेम के लिए भी। तो अगर आपका पहले से ही एक यूनिट प्रिपेयर होगा फॉर सॉलिड मैकेनिक्स, जैसे कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी ही, फिर बस सेकेंड यूनिट पढ़ना होगा टिल इनसेम, तो आप प्रैक्टिस के अंदर टाइम अपना स्पेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही इसके लिए आपको बताऊंगी। देन सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग आराम से कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आप कर सकते हो, एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स अगर इसके साथ पैरेलली आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, सॉलिड मैकेनिक्स के पैरेलल में आप थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी मतलब रिसोर्सेज वगैरह नहीं है तो सिर्फ आप यही सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेना, ठीक है। एंड इसके क्या करोगे, आप इसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर लो, कोई अगर पढ़ा रहा है थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग आपको तो बहुत अच्छी बात है, एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज आप हर अगर आपको जैसे कि सिलेबस अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस की पीडीएफ दे दूंगी जिसमें सब कुछ, जैसे कि ये वाला है ना, ये वाला मैंने जहाँ से स्नैपशॉट लिया है इसके अंदर सारे सिलेबस भी अवेलेबल हैं, तो बस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बोला तो टॉपिक वाइज उसके अंदर आपको सिलेबस में हर यूनिट में जितने टॉपिक है सब लिखे हुए हैं, तो टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हैं एंड उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर फिफ्थ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ईवी के जो भी है ईवी ना, उसके आप कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, यूट्यूब पर अपना इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत इजीली सेमिस्टर 3 जो है आपका कवर हो जाएगा। जस्ट मैं बार बार फोकस कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि हमें पता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ इन मैकेनिक्स ऑल्सो,
फिर ये जो है थोड़ा सा एक लेवल अप है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिसिंग के अंदर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाता है सेमेस्टर थ्री। अब आ जाते हैं सेमेस्टर फोर के ऊपर, तो इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगी, मैं इतना ही बताऊंगी कि देखो सबसे पहले आपको आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री, ठीक है। ये आपका मेरे चैनल के ऊपर कवर होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैथमेटिक्स थ्री जो है वो मतलब सबको है ना, सबको है सेमेस्टर फोर के अंदर जाके, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो मेरे चैनल से। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करे रखना होगा, अनसब्सक्राइब करके चले मत जाना कि मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे मत करना। एंड अगर आपको मैकेनिक्स के अपने फर्स्ट ईयर के भी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, जो मैकेनिक्स की जो मेरी वीडियोस हैं यूनिट्स के ऊपर, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको अगेन नॉलेज आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो सब्जेक्ट है इससे, इसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देन काइनामेटिक्स ऑफ मशीनरी, हमने काइनामेटिक्स यूनिट जो है वो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मशीन से रिलेटेड आपको काइनामेटिक्स पढ़ना है, तो अगेन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप अगर इंटरेस्ट लोगे, जैसे कि मैंने बोला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें आप अगर इंटरेस्ट लोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल मशीन्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने ही गलती करी है ब्रांच चूज करने में। मैं बस इतना ही बोलूंगी, इंटरेस्ट से हर सब्जेक्ट पढ़ो, तो सब सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। देन यू हैव दिस अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब जो है हमें इसके अंदर एप्लीकेशंस होंगे थर्मोडायनामिक्स के, तो अगेन वही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपको इसके अंदर भी, तो कंसेप्ट बिल्डिंग आपको बहुत अच्छी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड, अब फ्लूइड का मैकेनिक्स इसके अंदर हमें पढ़ना होगा। यस, हम थोड़े थोड़े बेसिक्स हमें आते हैं अलोंग, मतलब बहुत हम प्रीवियस 11th 12th के अंदर हमारा हो चुका है, तो बस हमें अब इसके अंदर क्या है एडवांस हमें पढ़ना है, बिकॉज यस वी आर इंजीनियर्स नाउ। देन यहाँ पर फिफ्थ लास्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो बहुत ईजिली आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यहाँ पर समझ में आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। जस्ट आई थिंक ये थ्योरी सब्जेक्ट होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्योरी सब्जेक्ट होगा, तो बस आपको क्या करना है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो मैथमेटिक्स थ्री है सेमेस्टर फोर से पहले आपको जो वेकेशंस अगर होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यस ज्यादातर आपको इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे। औरों के मिलना आई थिंक कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप देख सकते हो पेड वगैरह भी मिल रहा है, तो कहीं आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि सेमेस्टर थ्री का आपको समझ में आ गया है कि कहां से स्टार्ट करना है कहां से नहीं। मैं आपको एक बार पहले से बता दूं, तो सॉलिड मैकेनिक्स आप सबसे पहले स्टार्ट करना, देन थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड दिस इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी आप कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी, थोड़े दिन बाद भी स्टार्ट करोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन आई विल से कि वास्ट सिलेबस है, तो इनसेम में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, एंडसेम के अंदर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तो अच्छे से अपनी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो हर सब्जेक्ट की कर लेना। अगर क्लास में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो गो एंड आस्क योर टीचर, अदरवाइज कि आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाती हूँ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकेंड ईयर, अच्छा सा SGPA जो है अपना बिल्डअप करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Bye.